बात हो रही है राष्ट्र निर्माण की, और राष्ट्र निर्माण के बारे में बता दूं कि राष्ट्र निर्माण एक जटिल, एक द्रूह, लंबी चलने वाली प्रक्रिया है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राज्य के नेतृत्व में हासिल की जाती है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अनुभव बता रहा है कि राज्य केवल इस कार्य को नहीं कर सकता, इसमें निश्चित रूप से नेतृत्व, उसकी क्षमता, किस प्रकार का इंस्पिरेशन वह समाज के लोगों में भर पाता है, समाज के लोगों का सहयोग, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा हम लोगों की मानसिकता को बदल सकते हैं और राष्ट्र निर्माण की दिशा में उन्हें हम प्रेरित कर सकते हैं। जैसा कहा गया कि भारत विविधताओं वाला देश है, और विविधता कहाँ होती है? जहाँ विविधताओं को रहने दिया जाए। यह बताता है कि भारत की जो संस्कृति रही है वह विविधता को बढ़ाने वाली रही है, और यह भारत की संस्कृति प्रकृति की संस्कृति के अनुरूप है। अगर आप प्रकृति में देखें तो प्रकृति में विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी भी फुलवारी में चले जाएं, गुलाब के फूल आपको एक जैसे मिलेंगे, एक जैसे लगते हैं लेकिन एक नहीं हैं। हर एक फूल की, हर एक पेड़ की, हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग पहचान है, उसकी अपनी अलग अलग विशेषता है। और भारत इस मामले में, जैसा कि कहा गया है कि यह भारत की खूबसूरती है, यह भारत की शक्ति है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं हैं, और उन विभिन्नताओं को हम कैसे हम राष्ट्र निर्माण में जोड़ सकते हैं। सवाल उठता है कि हम कैसे हारमोनी क्रिएट करें, हारमोनी कैसे हो, क्यों नहीं आज तक हुआ? अगर हम इसको देखें तो जो कहा गया कि कम्युनल हारमोनी, अगर कम्युनल शब्द को आप देखें तो यूरोप के संदर्भ में वह सहयोग का प्रतीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में आकर के वह दो संप्रदायों के बीच, आज तक दो संप्रदायों के बीच के संबंधों को वह निरूपित करता था, और आज अन्य संप्रदायों के बीच में जो होने वाले संघर्ष हैं उनका वह एक तरह से प्रतीक बन गया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, कारण इस प्रकार का विभेद पैदा किया गया। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, लेकिन आज स्वतंत्र भारत में हम उसको अंग्रेजों का कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते। 1921 में मैं तो था नहीं यहाँ, लेकिन एक बार बनारस के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने बताया कि 1921 में बनारस रेलवे स्टेशन पर दो तरह का पानी बिकता था, हिंदू पानी और मुस्लिम पानी। हम वहाँ से बहुत दूर आ चुके हैं और आज उसी की ज़रूरत है। जैसे हम हिंदू पानी और मुस्लिम पानी से हम आज इतनी दूर आ गए हैं, आज हमें एक नए प्रकार के वातावरण को बनाना है। और यह वातावरण कैसे बनता है? एडगर ने कहा, वार अराइजेज इन द माइंड्स ऑफ मैन। किसी भी चीज़ का निर्माण कहाँ से होता है? हमारे दिमाग से होता है। हम किस प्रकार से अपने आप को हम प्रभावित करते हैं। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो जो लंबी प्रक्रिया औपनिवेशिक काल में हिंदू, मुसलमान तथा अन्य समुदायों के बीच में जो कम्युनलाइजेशन का प्रोसेस चला, उसे हमें डीकम्युनलाइज करने की ज़रूरत है। और ये जो आज आप कर रहे हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो हम सभी धर्मों में, हम सभी लोगों में क्या समानता की चीज़ें हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो हमें जोड़ती है, जो हम में सद्भाव पैदा करें? और यह सद्भाव तब पैदा होगा जब हमें दूसरों के प्रति सरोकार होगा, हम दूसरों के प्रति हम सहिष्णु होंगे, हम दूसरों के विपरीत विचारधारा का भी हम स्वागत करेंगे। तो क्या हम किस तरह से इस प्रकार का वातावरण बनाएं, यह
आज की सबसे बड़ी जरूरत है। और डेमोक्रेसी को अगर आप देखें तो प्रजातंत्र की भी यही मान्यता है। प्रजातंत्र भी कहता है कि हम दूसरों को विचारों को हम माने, उनको भी हम स्थान दें, उनको भी हम सुने, निर्णय प्रक्रिया में उनको भी हम शामिल करें। तो इसीलिए यह डायलॉग जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, दूसरे की जो विचार हैं उनको समझना जरूरी है। और इस दिशा में हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की ज़रूरत है। और दूसरे हैं कौन? सब तो हम ही हैं, कोई दूसरा बाहर का नहीं है। यह जो दूसरा क्रिएट किया गया है, उस दूसरे की दीवार को ध्वस्त करना है। हम कैसे ध्वस्त करें? और आज यही दुनिया हमसे चाह रही है। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में भारत की शक्ति जिस रूप में उभरनी चाहिए, वह इसलिए नहीं उभर पा रही है कि हम बटे हुए हैं। हम जो एक सौहार्द्र होना चाहिए, वह सौहार्द्र नहीं है। अगर वह सौहार्द्र हो तो भारत निश्चित रूप से दुनिया का विश्वगुरु, हर एक मामलों में लीड करने वाला फिर से बन सकता है। इस के लिए आपने इस कार्यक्रम को किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार अपने जितने अतिथि आए हैं उन सभी का सामाजिक विज्ञान संकाय की ओर से स्वागत भी करता हूं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।